कर दी मेरे बालों की। भाई कुछ हो गया, कैंची लाओ। ओके, हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आपने छोटा मोटा सा मेरा इंट्रो तो देख लिया होगा। बहुत ही खतरनाक चीज़ें ट्राई करी आज मैंने, और ये सारे जो वायरल हैक्स आजकल रील्स में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे थे, तो मैंने सबको सेव करा। मुझे लगा मैं भी ट्राई करूँगी और आप लोगों से शेयर करूँगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ये जो बटन दिख रहा है लाइक का ऐसे वाला, उसको प्रेस कर दो। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको भी ऐसे कर दो, और बेल आइकन को भी ऐसे कर देना। ये मैंने नया स्टाइल निकाला है अपने चैनल को सब्सक्राइब करने का और कराने का और वीडियो लाइक कराने का। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, क्योंकि सारे हैक्स मैंने इंस्टाग्राम से निकाले हैं, तो आपको बनता है ना कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। तो मुझे फॉलो कर देना, और बिना किसी देरी के अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हैक है ये मैंने अपने फीड में देखा था, और इसको देखने के बाद मुझे एक ही चीज़ रियलाइज हुई कि ओ माय गॉड, सेम प्लाजो तो मेरे पास है, मेरी मम्मी का है। तो मैं इसे ट्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो मेरे पास भी उस लड़की के जैसा एक प्लाजो पैंट है, तो मैं इसको क्या करूँगी, जैसे कि उसने करा था, हमारे नेक पर, मतलब मेरे नेक पर लगा के उससे सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर कर दूँगी। और इसके लिए मुझे मम्मी की हेल्प चाहिए। तो मैंने नेक से इसे सिक्योर कर लिया है, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। एंड इसके बाद जो हमारे दो पैर होते हैं प्लाजो के, उसे हम कुछ इस तरीके से ऐसे पीछे ले जाएंगे, एंड पीछे ले जाने के बाद हम उसे टाई कर देंगे। तो गाइस, हियर इज माय फाइनल लुक। और एज यू कैन सी, ये पीछे से कितना सेक्सी बैक लग रहा है। और अब मुझे ये हैक अच्छा लगने लग गया, बट स्टिल मुझे ये चोक्ड फील हो रहा है। बट मैं इसका कोई ना कोई नया तरीका निकाल लूंगी। बट या आई मीन लाइक दिस पैटर्न, कितना प्यारा लग रहा है ये, और मैं इसे पास करना चाहूंगी। ये हैक पास है। अगर आपके पास बेसिक जीन्स है और जब भी आप उसे पहनते हो तो आपको बहुत बोरिंग फील होता है, तो ये जो मैडम अपनी जीन्स को नए तरीके से स्टाइल कर रही है ना, आई थिंक आपको इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। क्योंकि मैंने भी जब देखा था, मुझे लगा ओह माय गॉड, हम अपनी जीन्स को भी ऐसे स्टाइल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं बटन ओपन कर देती हूँ। नाउ हम एक स्कार्फ की एज लेंगे, ये रहा मेरा बटन, एज यू कैन सी। एंड अब मैं अपने बटन को लगाऊंगी। ओके, फाइनली लग गया। ओके, सो इस पॉइंट पे आते ही आपको इस एंड पार्ट को इस लूप में फिर से इंसर्ट करना है, एंड ये जो अब एक लूप बन जाएगा इसे इसके अंदर से ऐसे निकाल देना है। वैसे जीन्स के लिए ये हैक तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट जैसे अगर मुझे वॉशरूम वगैरह जाना है, तो आपको सारे काम इस स्कार्फ को पहनने तक ही करने, लाइक अपनी पिक्चर्स स्टोरीज वगैरह तभी क्लिक कर लो, क्योंकि जैसे आप वॉशरूम जाओगे, मुझे नहीं लगता कि किसी के पास भी 5 to 10 minutes इतना टाइम है कि उसको बैठ कर दोबारा से पहनेंगे, हम इसे स्टाइल करेंगे स्कार्फ को। तो बेहतर है कि अगर आप इस स्टाइल को कहीं वेयर करके जाते हो, तो आप अपनी फोटोज वगैरह इंस्टा के लिए पहले से ही क्लिक करके रख लो। अब जो मैं हैक ट्राई करने वाली हूँ, वो देखकर तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा। मतलब इतना स्ट्रगल करना पड़ता है जो भी लोग लेंस लगाते हैं, और मैं तो फिर भी मैं खुद को बिगनर ही समझती हूँ, क्योंकि इतना मैं यूज्ड टू नहीं हूँ लेंसेज अप्लाई करने में। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है उसे वेयर करने में, देन रिमूव करने में। तो मैंने मैडम का एक वीडियो देखा, ऐसी मुझे अपनी फीड पर मिला, और मुझे लगा माय गॉड, ये तो मुझे ट्राई करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इसे ट्राई कर लिया जाए। तो आइए जूम कर लीजिए कैमरा और इसे ट्राई करते हैं। तो क्या करा है उसने, अपनी आई को ऐसे स्ट्रेच करा है ऊपर की तरफ ऐसे, एंड देन इसको ऐसे, एंड ओ मैंने कुछ गलत कर दिया, ऐसे एंड देन ऐसे, क्या निकल रहा है, ओ भाई साहब, लेट्स निकल गया और स्ट्रगल से बच गए हम। तो मेरी रियल आई कलर ये है, और ये था मेरा लेंस ब्लू कलर का। तो अब हम इसको भी रिमूव कर देते हैं। देखो, तो बहुत ही इजीली ये लेंस निकल गया है। वाओ, ये बहुत ही इजी हैक था ऐसे ऐसे करके। आप भी ट्राई करना एक बार। मैं इसको पास बोलूंगी क्योंकि मेरी बहुत काम का है। ओके गाइस, तो आपने बहुत तरीके देखे होंगे जहाँ पर लोग अपनी नोज कंटोर कर रहे हैं, और मैं भी आसान से आसान तरीके ढूंढती हूँ कि मैं अपनी नोज को इजीली कंटोर कर लूँ। जैसे कि आज मैंने नोज कंटोर नहीं करी है, तो आज मैं एक नए तरीके से अपनी नोज को कंटोर करने वाली हूँ। मेरा खाने का मतलब ये, मैं ना अपनी कंटोर के लिए सामान रेडी रखती हूँ।
जैसे मैं इसे ब्रश में पहले ही प्रोडक्ट ले लेती हूँ. ओके सो 1 2 3 गो. और ऊपर से मैंने नोज पियर्सिंग जो मेरी करी है और मैंने जो नोज इयररिंग पहनी है उस वजह से वो ज्यादा प्रेस हो रही है तो उसने ज्यादा आगे हिट कर दिया. ये दर्दनाक है, ट्राई मत करना, बहुत पेनफुल है. आपको पता है मुझे जन्मों लग जाएंगे लेकिन मुझसे ये वाला बन नहीं बन पाएगा. इतना ज़्यादा सिंपल है जैसे कि इस वीडियो में आपको दिख रहा है, बट स्टिल मैं देखती हूँ आज मुझसे बन जाए क्योंकि इसने बहुत ही इजी तरीके से अपने हाई बन लाइक मैसी बन बनाया है. तो मैं प्रे करती हूँ कि आज मुझसे ये बन बन जाए. ओके तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक हाई पोनी टेल बनानी है, हाफ हाई पोनी टेल. पहली चीज़ आपको क्या करनी है, अपनी पोनी को मैक्सिमम हाई रखना है. उसके बाद आपको दो बार रबर बैंड को ऐसे देन ऐसे और फिर अब आप इसे ऐसे छोड़ दीजिए जैसे ये छोड़ दिया है. ओके तो इसे रोल करते करते आपको इसके अंदर इंसर्ट करना है लाइक दिस. हमसे क्यों नहीं बन पाया, ये ऐसे क्यों बन रहा है. टेक टू. सो मैं परेशान हो गई हूँ, ये हेयर स्टाइल बन ही नहीं रहा है, ये मैसी हाई बन. ये ऐसे ऐसे करना है कुछ समथिंग, ऐसे ही कर रहे हो इसको इसके अंदर से ऐसे. यार ये वो होता नहीं है पुराने जमाने में कुछ भी है सा, ये क्या है, तो इसे लग रहा है कोई फाउंटेन से मतलब पानी सा निकल रहा है. फेल है ये, है किसी काम का नहीं है. जो लड़के एक्सपर्ट होती है वही लड़के ये हेयरस्टा बना पाएंगी, हमारे जैसे लड़के का कुछ नहीं हो सकता बहन. ये क्या हालत कर दी मेरे बालों की भाई, कुछ हो गया, कैची लाओ. हम ऐसे ही ठीक है या फिर पोनी टेल में ठीक है. तो मैं तो इस हैक को स्पेशली इसे 2 thumbs down दूंगी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना. अब मुझे ये तो बहुत मजा आया, बदले में आप वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर देना. हाँ दीदी हम जरूर फॉलो करेंगे. ओह थैंक यू सो मच. सो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय. और बाय बाय.